नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? ओके, चलिए मैं अंबिका शर्मा नव भारती पाठमाला की अध्याय 8 जयपुर की सैर पर आज हम चलेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है जयपुर की सैर में। पाठ 8 है हमारा जयपुर की सैर। ये एक पर्यटन है। पर्यटन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमकर उस जगह के अलग अलग इमारतों के बारे में जानकारी लेना, घूमना। इस जो पर्यटन जो ये हमारा पाठ है, इस पाठ के अंदर मीनू नाम की एक बच्ची है जिसमें उसके चाचा जो है उसे इनवाइट करते हैं जयपुर घूमने के लिए। तो मीनू अपने पापा के पास आती है और चाचा का मैसेज बताती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे मम्मी पापा के साथ में मीनू जो है जयपुर चली जाती है। चाचा उन्हें जयपुर में घुमाते हैं। ये हवा महल है जहाँ की जानकारी वो घुमाने के दौरान मीनू को देते हैं। पूरा जयपुर घूम लेने के बाद में मीनू को उसके चाचा जो है जयपुर से संबंधित जो एक पुस्तक है वो उपहार में उसे देते हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि हमें अपनी कॉपी में वर्क करना है, वो है हमारे शब्दार्थ। सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आइए देखिए, सबसे पहला है कार्यक्रम। कार्यक्रम का मतलब होता है प्रोग्राम। कहीं पर जाने के लिए हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो कार्यक्रम हिंदी में उसे बोलते हैं कार्यक्रम। पर्यटक, देश विदेश में घूमने फिरने वाला, किसी भी जगह पर घूमकर वहाँ की जानकारी एकत्रित करने वाले को हम कहते हैं पर्यटक। हमारे यहाँ बीकानेर में खूब सारे पर्यटक आते हैं ना, सैलानी आते हैं, विदेशी आते हैं, फॉरनर्स, उन्हें हम पर्यटक कहते हैं। नंबर 3 है गुंबद। गुंबद होता है इमारत के ऊपर अर्ध गोलाकार शिखर। अर्ध मैंने आधा गोलाकार जो शिखर होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुंबद। आगे बढ़ते हैं। उपहार, उपहार का मतलब है तोहफा। उपहार का क्या है, तोहफा। फिर है बलुआ, रेत में मिला हुआ। उसके बाद में हमारा है यहाँ पर अनोखी, अद्भुत, चौराहा, चारों ओर से मिलने वाला रास्ता, उसे कहते हैं हम चौराहा। आगे बढ़ते हैं। श्रुतलेख और वाचन। देखिए इसमें आपको अपने सुंदर हस्तलेखन से श्रुतलेख लिखना है। ध्यान से पहले आप सुनेंगे अपने श्रुतलेख को, जो भी आपके घर में आपके बड़े आपको बोलकर बताएंगे, फिर आपको इसे लिखना है, ठीक है। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 कार्यक्रम, 3 छत्रियाँ, 4 राजसी, 5 नंबर है इंद्रधनुषी। तो हमें ये 5 शब्द डिक्टेशन से अपनी नोटबुक में लिखने हैं सुंदर हस्तलेखन से। आगे बढ़ते हैं। सही गलत का निशान लगाओ। इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में करेंगे, नव भारती जो हमारी बुक है उसमें हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सही गलत का निशान लगाओ। आइए देखते हैं। मीनू के चाचा जी दिल्ली रहते थे, सही है या गलत? गलत। नंबर 2 मीनू ने जयपुर में हवा महल देखा, सही है या गलत? सही। नंबर 3 चाचा जी ने मीनू को एक पुस्तक दी, सही है या गलत? सही, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे, मीनू जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने गई। उत्तर देखें, मीनू जयपुर में कहाँ कहाँ गई थी, वो सारी जगहों के नाम लिख देने हैं हमें इसमें। सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर, हवा महल, छत्रियाँ और मंदिर घूमने गई। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल नाम कैसे पड़ा, उस बिल्डिंग का नाम हवा महल कैसे पड़ा। देखेंगे इसका उत्तर, झरोखों से ठंडी हवा महल के भीतर आने जाने के कारण महल का नाम हवा महल पड़ा, ठीक है। झरोखों के बीच में से हवा जब अंदर आती जाती थी महल के अंदर, तो वो महल का नाम क्या रख दिया गया, हवा महल। नेक्स्ट प्रश्न है, चाचा जी ने मीनू को क्या क्या दिया। तो इसका उत्तर है, चाचा जी ने मीनू को एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। चाचा जी ने मीनू को एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।
बहुत अच्छे तरीके से आपको सुंदर हस्त लेखन के माध्यम से इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। टिल देन बाय, नमस्ते सभी को।